हेलो एवरीवन, तो आज आ चुके हैं हम अलीगढ़ में सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दो जामा मस्जिद है। एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद है और दूसरी है यहाँ पे जो मेन जामा मस्जिद है। पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत ज़्यादा पुराना है यार, और बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मॉस्क भी है, सर सैयद हॉल जी, सर सैयद जिन्होंने इसको डेवलप किया था। तो चलते हैं इसके अंदर मेन गेट से और दिखाते हैं आपको बाकी अंदर क्या क्या है। तो यार 1875 में बनी ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अलग ही इतिहास रखती है और काफ़ी पुरानी है। तो यहाँ के यार काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है और काफ़ी पुरानी है, तो हमने सोचा इसको एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए। अलीगढ़ आए हैं तो देख सकते हैं यार, बहुत ही खूबसूरत रोड्स, क्लीनिंग, सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। और हमने कुछ स्टूडेंट्स अभी देखे थे जो कि यार उनका ड्रेसअप हमें बहुत अच्छा लगा, शायद वो यहाँ का ड्रेस कोड है या जो भी है, इट वॉज़ रियली नाइस। एंड यहाँ की एक जामा मस्जिद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ही, जो कि बहुत फेमस होने वाली फेमस होने की वजह से इसको हमने नेट पे सर्च किया तो हमें लगा यार बाहर से रोड से भी देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, बड़ा ही इसका जो मिनारेट्स हैं और जो टॉम्ब है इसका, इट लुक्स रियली नाइस फ्रॉम दी आउटसाइड। तो ये है सर सैयद हॉल साउथ, और यहाँ पे इस गेट, खूबसूरत से गेट से चलेंगे हम अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या है। वाह, सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बाब अल इबादत, तो बाब का मतलब होता है दरवाज़ा और इबादत का मतलब प्रेयर, तो ये बाब अल इबादत लिखा हुआ है अरबी में और इंग्लिश में। आपको दिखाते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ था एंड ऑल। सो दिस जामा मस्जिद वॉज स्टार्टेड इन 1879 बाई द फाउंडर, जो कि हैं सर सैयद अहमद ख़ान साहब, और कम्प्लीटेड इन 1817 टू 1898, और 1915 में कम्प्लीटेड हुई थी। और बहुत ही खूबसूरत यार जगह है, और जो रेड कलर का जो स्टोन से ये बनी हुई है, इट लुक्स रियली रियली अमेजिंग। सो गाइस देखिए मुश्ताक मंजिल, यहाँ के जो नाम है, जो बिल्डिंग्स के नाम इन्होंने दिए, निज़ाम म्यूज़ियम, एंड वो सामने हॉल है, वो हम बाद में कवर करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स गो इनसाइड द मॉस्क एंड देन विल शो यू द अनदर थिंग्स। सो यार द व्यू इज़ रियली स्टनिंग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मस्जिद है माशाल्लाह। यार मज़ा आ गया देख के सीरियसली। यह है वज़ू खाना जहाँ वज़ू करके नमाज़ पढ़ी जाती है, तो नमाज़ यहाँ पे अभी भी होती है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ये बनी हुई है, अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। महमूद मंजिल, तो यार यहाँ पे हर एक बिल्डिंग का जो नाम है वो उर्दू में लिखा हुआ है, तो सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है महमूद मंजिल और कुरान की कुछ आयतें उस पर लिखी हुई हैं। सो इसमें वअल्लमना मिन लदुन्ना इल्मन, सो इल्म मतलब नॉलेज, नॉलेज से रिलेटेड कुछ कुरान शरीफ के कलमात लिखे हुए हैं, और यहाँ लिखा हुआ है सैयद महमूद मरहूम, जिनके शायद मेमोरियल में ये बनाया गया होगा, और आई थिंक उनका कब्र भी यहाँ हो सकती है, आई डोंट नो, लगता तो ये ऐसा है जैसे अंदर कब्र सा कुछ बना हुआ है। तो
तो यार ये देख सकते हैं, ये जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो स्क्वायर में बना हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है मकबरा, मतलब ये किसी की कब्र है, तीनों, ये और सामने और यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे यार प्लांटिंग हुई हुई है अच्छी सी, और बहुत बहुत क्लीनिंग है यहाँ पे, बहुत प्यारा, एक अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे यार, देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो ये जो मकबरा आप देख रहे हैं ऊपर, ये है ज़ैनुल आबिदीन बिन मोहम्मद हुसैन, इनका ये मकबरा है। और अरबी और उर्दू मुझे थोड़ी बहुत पढ़नी आती है, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। ये तो ये शिजरा है किसका? नबी सल्लम के ख़ानदान से है, माशाल्लाह क्या बात है। ये शिजरा है ना? और ये शिजरा जो है, जो जो यहाँ पे दफन है, उन लोगों के शिजरे यहाँ पे मेंशन्ड है, तो इनका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उनके रिश्तेदारी या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं ये लोग। तो यार बहुत बड़ी बात है कि हमने हमें मौका मिला इनकी कब्र की ज़्यारत करने का। तो गाइस देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, और मस्जिद के बाहर हम हैं अभी, और आपको लेके चलते हैं मस्जिद के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंदर चलते हैं। तो वैसे कुछ ऐसी होती है मस्जिद अंदर से, माशाल्लाह। तो ये होता है मिंबर जहाँ पे इमाम साहब खड़े होकर खुतबा पढ़ते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है यार। भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हो कौन से यार, थोड़ा सा पढ़ दोगे हमारे लिए? بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما। इस प्यारी सी मस्जिद से विदा लेते हुए, यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा सुकून मिला यहाँ पे आके। नवाब विकारुल मुल मौलवी मुश्ताक हुसैन वॉज वन ऑफ द मोस्ट आर्डेंट फॉलोअर ऑफ सर सैयद। ही डोनेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सर सैयद वॉज डीपली टच्ड बाई विकारुल मुल्क्स एफर्ट्स टू हेल्प द कॉलेज। ही डिसाइडेड दैट द कॉलेज शुड हैव अ परमानेंट मेमोरियल फॉर हिम, अकॉर्डिंगली दिस बिल्डिंग वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तो यार मुश्ताक मंजिल जो है नवाब साहब के नाम पर बनाई गई। तो यार यहाँ पे जो नवाब है उन्होंने काफ़ी मनी डोनेट की है इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। सर सैयद अहमद साहब का जो विज़न था इसको बनाने का, तो वो साकार हो पाया नवाबों की जो कंट्रीब्यूशन थे उनकी वजह से। तो यहाँ पे निज़ाम म्यूज़ियम, यहाँ पे भी 90,000 रुपये का डोनेशन दिया गया था उस ज़माने में। देख सकते हैं निज़ाम म्यूज़ियम लिखा हुआ है। तो यार यहाँ पर अंदर जाना शायद अलाउ है या नहीं, आई डोंट नो, देखते हैं अंदर जा सकते हैं। तो ये निज़ाम म्यूज़ियम है। इसके अंदर क्या है देखते हैं अंदर से जाके। तो लाइब्रेरी जैसा कुछ बना हुआ है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। तो ये जो रूम्स बनाए हुए हैं इनको जो डोनेटर थे, जिन्होंने भी डोनेट किया है उनके नाम पे बनाया गया है।
बहुत सुकून वाली जगह है और बहुत क्लीन है काफ़ी। उस टाइम पे इतनी बड़ी ज़मीन पे इसको बनाया गया है। निज़ाम मंजिल के बाद उस्मान मंजिल, बरकत अली लेक्चर रूम, बरकत अली खान के नाम पे इस लेक्चर रूम को दिया गया है, जो कि शाहजहाँपुर के थे और पंजाब में इन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया और सर सैयद सांप के मिशन को थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट किया काफ़ी हद तक। यह है उस्मान मंजिल। इसी के साथ आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो ये देख सकते हैं इसकी मेन बिल्डिंग, हॉस्टल है, चारों तरफ गार्डन है, बहुत खूबसूरत गार्डन बने हुए हैं चारों तरफ। नहीं, बीच में गार्डन है, चारों तरफ हॉस्टल्स हैं और ये है मेन बिल्डिंग हो सकती है, इसके ऊपर भी हॉस्टल है, ये हॉस्टल ही हॉस्टल है। यहाँ पे कैंटीन भी है सामने, अगर आप कुछ खाना चाहो तो।